इन पे देशद्रोह का मुकदमा सीधे सीधे चाहिए। जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दिया है, जिन्होंने आप अगर हरिद्वार की बात कर रहे हैं, जो हरिद्वार धर्म संसद में हुआ तो उसमें धर्म संसद नहीं कहता, मैं उसे नफरत संसद कहता हूँ, गोट से संसद। संत समाज से इन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए, ये संतों का कर्तव्य है। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है, सर्व समाज की बात करता रहा है, सर्वस्पर्शी समाज की बात करता रहा, सबको लेके सम्यक सोच वाला रहा है। ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। एसके एंटरप्राइजेस होम अप्लायंस लाइक एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, सेकंड सेल्स एंड सर्विस नियर ओल्ड कुनाल हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 89, जय हिंद नगर, मानकापुर ना। वास्तविक भारत पार्टी, जी हाँ, इस नाम से एक नई पार्टी बनी है भोपाल में। तो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लेवल के कुछ मेम्बरान से आइए हम मुलाकात करते हैं। जी सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम और वास्तविक भारत पार्टी के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम सुशील सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ वास्तविक भारत पार्टी का। वास्तविक भारत पार्टी की स्थापना 2017 से हम लोगों ने शुरुआत की थी। 2019 फरवरी में वास्तविक भारत पार्टी का चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन हुआ। वास्तविक भारत पार्टी का जो मेन उद्देश्य है, समाज में फैल रहे जो व्यभिचार हैं उन पे काम करना, सबको समानता का अधिकार देना, शिक्षा और स्वास्थ्य पे दोनों ही का राष्ट्रीयकरण होना। भारत में राजनीति अभी पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान और जात पात के नाम पे राजनीति हो रही है, तो वास्तविक भारत पार्टी भी क्या उसी रास्ते पे चलेगी? वास्तविक भारत पार्टी का मेन उद्देश्य, मेन गठन ही इसे ले किया गया है कि जात पात धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें और समाज में एक अच्छा माहौल पैदा करें। और आने वाले अभी 2024 के इलेक्शन में क्या भोपाल से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? वास्तविक भारत पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी 2023 का। लोकसभा 2024 में कोशिश रहेगी कि चार स्टेट से हम चुनाव लड़ें, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आपकी वास्तविक भारत पार्टी का क्या महाराष्ट्र में कोई ऑफिस वगैरह है? यहाँ पर चर्चाएँ चल रही हैं, बहुत जल्दी संगठन भी तैयार हो जाएगा और पार्टी की कार्यकर्ता भी कम्प्लीट हो जाएगा। मेरा परिचय तो यही है, पार्टी ही मेरा परिचय है। परिचय मैं सज्जन कुमार वर्मा और वास्तविक भारत पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रभारी। तो देश में जो नफरतें फैलाई जा रही है इस बारे में आपके क्या विचार? आप देख रहे हैं अभी आज कालीचरण महाराज का गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा लेकिन और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हरिद्वार में, दिल्ली में, देखिए ये संत नहीं है। अगर आप इनको संत मानते हैं, देखिए कालीचरण जी की तो गिरफ्तारी हो गई लेकिन बाकी जो लोग हैं होना चाहिए, उन पे 153 लगाए लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इन पे देशद्रोह का मुकदमा सीधे सीधे कायम होना चाहिए। जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दिया है, जिन्होंने आप अगर हरिद्वार की बात कर रहे हैं, जो हरिद्वार धर्म संसद में हुआ तो उसमें धर्म संसद नहीं कहता, मैं उसे नफरत संसद कहता हूँ, गोट से संसद कहता हूँ। और ये जो हो रहा है ये सीधे सीधे भारतीय संविधान का उल्लंघन है। हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसी कोई भावना न पहले कभी दी गई है और न कभी भविष्य में दिखाई देती है। ये कुछ एजेंट लोग हैं, राजनीतिक संत हैं, इनको मैं राजनीतिक एजेंट मानता हूँ और बाकी इनको संत की श्रेणी में मानना भी नहीं चाहिए। हिंदू समुदाय बहुत बुद्धिजीवी है, प्रबुद्ध जन लोग रहते हैं हिंदू समुदाय में और हिंदू समुदाय का आज लोग जो हैं जानते हैं कि संतत्व क्या होता है। जिसमें संतत्व होगा वो किसी महिला को, किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग को गाली नहीं देगा। सत्य में वो जयते, श्रम में वो जयते, कर्म में वो जयते की जगह शास्त्र में जयते नहीं बोलेगा। वो सत्य में वो जयते बोलेगा, कर्म में वो जयते बोलेगा, श्रम में वो जयते बोलेगा, लेकिन अगर वो संत है तो सत्र में वो जयते नहीं। 25 दिसंबर की रात को और उसके एक रात पहले भी
देश के तकरीबन 7 चर्चों में हमला किया गया। इसके बाद में फिर अभी नफरतों भरे बयान शुरू हुए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ट्वीट तक नहीं किया अभी तक। देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो पहले भी कोई ट्वीट नहीं करते थे। जब मॉब लिंचिंग गो हत्या पे होती थी, तो जब बहुत सुबोध सिंह जैसे लोग उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग करने वालों के हाथ से हत्या हुई, अखलाक कांड हुआ और भी बहुत सारे हुए, तो तब भी नहीं बोलते थे। 2-3 साल बाद उन्होंने एक बार कहा था कि गौरक्षक लोग गुंडे हैं। उसके बाद मॉब लिंचिंग में थोड़ा कमी आई थी। एक्चुअली में जो कुछ अभी हो रहा है उसको आप परदृश्य अगर देखें, उसका पृष्ठभूमि देखेंगे, तो ये 2023-24 की परिणित पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। चित्रकूट में जो आरएसएस का सम्मेलन हुआ था, वहाँ से संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने, मैं बड़े सम्मान से, देखिए कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर उसका मुखिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे धर्म के अंदर बड़ी अच्छी मित्रता हो सकती है, लेकिन हम प्रोटोकॉल तो लागू करेंगे ना बाहर, ठीक है ना। तो संघ सरसंघ चालक एक बहुत बड़ा पद होता है, और मैं ये नहीं कहता कि संघ नहीं होना चाहिए भारत में, सबको होना चाहिए भारत में। भारत विविधताओं का देश है, अनेकतावादी देश है, अनेकतावान तो चलते हैं, वाद नहीं चल रहे हैं आप, सदियों से उठा लीजिए चल रहे हैं। वहाँ से जो आवाज़ उठी उस पर मुझे पहला एतराज़ था कि चादर फादर को भारत से मुक्त करना है। पहले तो इन्होंने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त तो कर नहीं पाए, कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। अब अगर संघ ऐसी भाषा बोले ये कहने के बाद काशी में कि कुरान बहुत अच्छा है, इस्लाम बहुत अच्छा है, ईसाइत ने हमारी बड़ी सेवा की है, हमें शिक्षा दिया है, उसके बाद भी अगर आप ये कहें कि चादर फादर मुक्त भारत करना है, इससे समझ जाना चाहिए कि आज देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं संघ लगा हुआ है, संघ के आनुषांगिक संगठन लगे हुए हैं, और निसंदेह इन पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए, इस बात से कोई गुरेज नहीं, लेकिन संघ भी हमारा एक भाग है समाज का, मैं उसे किसी भारतवर्ष से अलग नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इसको राजनीतिक तौर पे देखना चाहिए, बाकी आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं कोई वैमनस्यता नज़र नहीं आती समाज के अंदर, और ना कोई जातीय वैमनस्यता दिखती है, सोशल मीडिया में वैमनस्यता है, और कुछ ये जो राजनीतिक नारंगी रंग वाले संत हैं जिनको संत हम नहीं मानते हैं, इनको तो जूना अखाड़ा को इनको बाहर निकाल देना चाहिए, अखाड़ा परिषद से इन्हें बाहर कर देना चाहिए, संत समाज से इन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए, ये संतों का कर्तव्य है। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है, सर्व समाज की बात करता रहा है, सर्वस्पर्शी समाज की बात करता रहा, सबको लेके सम्यक सोच वाला रहा है, ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है, कुछ बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सुशील सिंघल साहब ने रख दिया है, कुछ बातें मैं बता दूं कि नाम से ही पता चलता है कि पार्टी क्या है। जहां वास्तविक है वहां सत्य है, और जहां सत्य है वहां भारत है। अब रही बात हमारा मूल उद्देश्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण की बात किया, निस्संदेह हम लोग उस पर काम करेंगे। आज भारत की आवश्यकता है कि एक छोटे से बच्चे को बेसिक पढ़ाई से लेकर हायर एजुकेशन तक मुफ्त शिक्षा दी जाए, उसे मुफ्त भी नहीं कहेंगे, वो उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उसी तरह से जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं कर लेता है और अपने पैर पर नहीं खड़ा हो जाता है, तब तक उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाए। तीसरा विषय हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी में कि हम आर्थिक समानता की बात तो करते हैं, लेकिन हम सामाजिक न्याय की बात भूल जाएंगे, ये नहीं। आर्थिक समानता तभी आएगी जब बहुत सारे टैक्सेस हटाए जाएंगे, बहुत सारे जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं जब तक आप उन्हें नहीं साफ करोगे तब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी। वो आर्थिक समानता जब आती है तो वो इस चीज़ से आती है कि आप कितना लोगों को रोज़गार दे रहे हैं।
चौथा पॉइंट हमारा ये है देश पार्टी बनाने का, कि जितनी भी पार्टियां अभी तक हम लोगों ने देखा, या तो वो धर्म के नाम पे बनी हैं, या तो जाति के नाम पे बनी हैं, या तो समाज के नाम पे बनी हैं। हमारी पार्टी का पहला उद्देश्य यही है, मानव समाज को लेके चलना, सर्वधर्म सबका संभाव सबका सम्मान। हम सबका साथ सबका विकास नहीं कह सकते, इसलिए ये संभव ही नहीं है कि सबका साथ हो सबका विकास हो। ये वैचारिक स्थिति, तो विकास तभी होगा जब आपने कार्य करने की क्षमता होगी, और साथ लेके चलने की बात तब होगी जब हमारे आपके विचार मिलेंगे। हमारे आपने न क्षेत्र मिलते हैं न विचार मिलते हैं, तो सबका साथ सबका विकास तो कोई सब फालतू की बातें हैं, मोदी जी करते रहते, मोदी जी का काम ही इतना है। हम लोग, आपने एक प्रश्न अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से 2024 की किया, हम उसके पहले आपको 2022 और 23 के बारे में बता दें। हमने अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, यानी जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, हमने उनको खुला समर्थन दिया है, बिना शर्त समर्थन दिया है, और ये उम्मीद के साथ दिया है उनसे कि 2023 में मध्य प्रदेश में हम तीसरा फ्रंट लाएंगे, और हम तीसरे फ्रंट में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का करेंगे। उसके बाद 2024 में अगर हमारा फ्रंट आगे चाहेगा तो हम लोकसभा में भी एक फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास है अनवर से मिलना। अभी जैसे कि अभी यहाँ आदरणीय जनार्दन मुन जी साहब के यहाँ भी और पासा साहब के यहाँ भी हम लोगों का मुलाकात हुआ, इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल के गए हैं, बातचीत हुई है, तो ये भी एक उसी प्रक्रिया में हम सामाजिक संगठनों को भी लेके चल रहे हैं, वो हमको ये अछूत थोड़ी हैं। राजनीति तो समाज शास्त्र बराबर चलनी चाहिए, लेकिन धर्म जो है वो अपनी जगह काम करना चाहिए, राजनीति और समाज को एक साथ काम करना चाहिए, ऐसा मेरा, ऐसा पार्टी का हमारे मानना है, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार है।